बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको अपने ज़ोमान में रखेगा, इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, मगर ये देखें कितनी धूप है, पूरे सहन में धूप है ये देखें। तो लाइट भी जाने वाली है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से यहाँ पर पानी थोड़ा गिरा देते हैं ताकि ज़मीन ठंडी होगी, तो फिर रात के टाइम बहुत मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है ना। वैसे तो हमारे पास एसी है, मगर जो भी थोड़ी देर बैठेंगे तो ये लगी हवा लगती है माशाल्लाह से। शाम के टाइम बहुत ज़बरदस्त हवा लगती है, तो जल्दी जल्दी से पहले ये काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर भी गिरा देते हैं पानी ताकि ये ज़मीन भी ठंडी हो जाए। और माशाल्लाह से ये देखें, तो जिस भाई बहन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। बस पहले हम यहाँ पे पानी थोड़ा गिरा देते हैं ताकि जल्दी जल्दी से, लाइट जाने वाली है तो मैंने कहा पहले ये काम कर लेते हैं। तो एक सिस्टर ने, पता नहीं ब्रादर ने, मुझे कमेंट किया था कि आप किस गाँव से हैं। तो सखर के नज़दीक गांव है, हम वहाँ पे रहते हैं। तो इस गांव का नाम है बहलानी, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। नौशारो भी हमें नज़दीक पड़ता है, तो हालानी और बहलानी साथ में एक गांव है, वहाँ पे हम रहते हैं। और माशाल्लाह से ये देखिए, लाइट का मसला था, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से पहले ये काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये चेक करें, लाइट चली गई, जिस बात का डर था वो ही हो गया। तो जल्दी जल्दी से अब बटन बंद कर लेते हैं। और ये यहाँ से भी देखें कितना पानी निकल रहा है, क्योंकि माशाल्लाह से लूटर लगा हुआ है ना, तो उसमें बहुत प्रेशर होता है, तो इस वजह से ये पानी यहाँ से निकल रहा है। ये वाला है माशाल्लाह से, पहले हमारा मोटर था वो रोज़ ख़राब होता था, कुछ ना कोई मसला होता ही होता था। अब माशाल्लाह से जब से ये लगाए तो कोई मसला नहीं। और मैं आपको दिखा दूँ, ये जो कोना था हमने आज अच्छे थे, मैंने सफाई इसकी कर ली है, तो यहाँ पे भी थोड़ा पानी गिरा लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए सफाई हो गई है। जब अब कबूतरों का घर बनेगा तब, और ये तौलिए कल से यहीं पर पड़े हैं, तो इनको भी उतार लेते हैं। अब ये सूख गए, मैंने सुबह इनको देखा था थोड़े से खिले थे, तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी से अंदर। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो लाइट भी चली गई, अभी मैंने कपड़े भी इस्त्री करने थे, तो लाइट आ गई है। तो जल्दी जल्दी से मैं पहले यहाँ पे पानी गिराती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी मैं पानी जब गिरा रही थी तो तब आ गए थे मिस्त्री, ये हमारा UPS हो गया ख़राब, तो आज ये UPS जा रहा है बनने। और जो ये वाली बैटरी है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मिस्त्री ने बताया कि अभी ये किसी काम की नहीं है, ना ये UPS है। तो साथ साथ में कपड़े भी मैं इस्त्री कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बैठ के कर रही थी कपड़े इस्त्री, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं AC वाले कमरे में चली गई हूँ। कुछ मैंने यहाँ पे किए हैं, कुछ जाके उधर करूँगी। और ये मुझे पानी चाहिए था, क्योंकि आपको पता है काटन के कपड़ों को ये पानी ज़रूर लगता है। तो जल्दी जल्दी से उस रूम में चलते हैं, वरना मिस्त्री आ जाएंगे। तो अभी आ गई हूँ मैं AC वाले रूम में, ये देखें इस्त्री मैंने यहाँ पर लगाई है, और ये बस थोड़े से ही कपड़े रहते हैं। आज जल्दी जल्दी से ये कपड़े इस्त्री करूँ, तो कल मुझे अपने हस्बैंड के और दूसरे भी कपड़े हो गए तो वो धो लूँगी। ईद भी आपको पता है ऊपर है, बिल्कुल टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी से पहले कपड़े कर लेते हैं इस्त्री। तो अभी मैं कम कर रही हूँ कपड़े इस्त्री, ये देखें कुछ मैंने कर लिए हैं, अभी ये कुछ रहते हैं। और ये मैं अपने बेटे के लिए जल्दी जल्दी से ये कमीज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो अभी गए नहाने, तो उसने कहा मम्मी मेरे जल्दी जल्दी से कपड़े इस्त्री करें। तो आज हमारा UPS भी ख़राब हो गया, बैटरी भी ख़राब हो गई, मिस्त्री आया है आज लेके जा रहा है हमारी। अभी तो चलो लाइट है, बाद में लाइट जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा, आपको पता है गर्मी कितनी बहुत ज़्यादा है।
तो बस अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखेगा। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना और हमें दुआ में याद ज़रूर रखना। तो अभी नमाज का टाइम भी हो रहा है, तो अल्लाह हाफिज़।